बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं मोलर स्पेसिफिक हीट से। ये पढ़ लिया था मोलर स्पेसिफिक हीट, आज हम देखेंगे इधर से रिलेटेड हीट ऑफ फ्यूजन से। ठीक है, ये थर्मोडायनेमिक्स एफएससी का पार्ट हम कर रहे हैं और 10 चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिए थे। ये दूसरा पार्ट है एफएससी का थर्मोडायनेमिक्स 11 चैप्टर का। इसी तरह फिर हम कंटिन्यू आगे करते जाएंगे, फिर ये थ्योरी कंप्लीट होगी तो फिर इसके एमसीक्यूज, देन फिर हम चलेंगे सेकंड ईयर की फिज़िक्स की तरफ। ठीक है, तो अब इसमें आ जाएं, ये मोलर स्पेसिफिक हीट, मोलर स्पेसिफिक हीट अच्छा ये पढ़ लिया था, आज हमने स्टार्ट करना है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होती है कि ये जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है 1 kg को सॉलिड से लिक्विड में लाने के लिए, ठीक है, और इसका ये फार्मूला होता है एच लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज़ इक्वल टू क्यू ओवर एम, डेल्टा क्यू ओवर एम, जोल पर केल्विन इसका यूनिट होगा। ठीक है, और इसमें नेक्स्ट देखें तो अब लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है, अब इसमें भी उसी तरह बात करेंगे, लेकिन इधर कहेंगे कि एनर्जी जो हमें रिक्वायर्ड है वो 1 kg को लिक्विड इनटू गैस फॉर्म में लाने के लिए यूज़ करते हैं, और इसका फार्मूला भी क्या है, डेल्टा क्यू ओवर एम है, मतलब फार्मूला इसका उसी तरह ही बन रहा है, सेम है, बट जस्ट हीट इधर वेपराइजेशन करेगी लिक्विड की। आगे वेपराइजेशन को अगर हम देखें तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है टेम्परेचर के, ई वी फॉर वेपराइजेशन, एनर्जी ऑफ वेपराइजेशन क्या है, टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो वेपराइजेशन ज़्यादा, एरिया ज़्यादा, एयर ज़्यादा ब्लो कर रही है तो वेपराइजेशन भी ज़्यादा हो रही होगी। ठीक है, उसके बाद देखें इसमें ये जो वेपराइजेशन है ह्यूमिडिटी के इन्वर्स होती है, जितनी ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी तो वेपराइजेशन कम होगी, प्रेशर से ज़्यादा होने से भी वेपराइजेशन कम होती है। फिर अगर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज़्यादा हैं, ठीक है, किसी भी मटेरियल की, तो फिर भी वेपराइजेशन बहुत कम होगी। सब्लिमेशन में डायरेक्ट प्रोसेस होता है, यानी 3 फेज होती हैं, लिक्विड गैस सॉलिड, तो इसमें एक फेज़ नहीं आती मिड वाली, यानी इधर सब्लिमेशन कहेंगे सॉलिड को डायरेक्ट वेपर्स में लेकर जाना, सॉलिड को डायरेक्ट वेपर्स में आना, इसको कहते हैं सब्लिमेशन, और इसको रिवर्स कर दें तो डेपोजिशन कहते हैं। ठीक है, तो ये डेपोजिशन के नीचे पॉइंट लिखा हुआ क्या है, डेपोजिशन क्या है, कन्वर्जन ऑफ गैस इनटू सॉलिड, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाना डायरेक्ट गैस का, लिक्विड की फॉर्म में आए बगैर। हॉर फ्रॉस्ट इसके आगे ये लिखी हुई एग्जाम्पल, आगे है हीट ऑफ सॉलिडिफिकेशन, इसमें हम कह रहे हैं कि यूनिट मास लेंगे लिक्विड का और क्या करना है, इसको फ्रीज करेंगे तो ये सॉलिडिफाइज हो जाएगा, जैसे वाटर है ये क्या करता है, ये सॉलिडिफाइड हो जाता है, सॉलिड आइस बन जाता है, विच इज़ इक्वल टू हीट ऑफ यून, और जब सॉलिड बनता है तो ये जितनी हीट पे ये सॉलिड बनता है ये हीट फ्यूजन के ही इक्वल होती है। ठीक है, आगे देखें लीनियर थर्मल एक्सप्रेशन को लिखेंगे एल इज इक्वल एल नॉट इन टू 1 + α δ t। ठीक है, सेकेंड ईयर में भी ये फॉर्मूला इधर एल की जगह आर लगा होता है। ठीक है, तो इधर हम देख रहे हैं लीनियर थर्मल एक्सपेंशन में, ये ऑप्शन लीनियर थर्मल एक्सपेंशन है और यहाँ पे 1/α 1/k आ रहा है, और यहाँ पे जो अल्फा आ रहा है, ये जो अल्फा आ रहा है इधर क्या आएगा, डेल्टा एल ओवर एल नॉट डेल्टा टी। ठीक है, ये अल्फा वाला फार्मूला सेकेंड ईयर में मैंशनड है, और एल की जगह रेजिस्टेंस आर लिखी होती है क्योंकि रेजिस्टेंस लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है। आगे देखें वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन का फॉर्मूला है, इसी तरह जहाँ पे एल आ रहा है वहाँ पे वी लगा दें, वी इज इक्वल टू वी नॉट इंटू 1 β δ t, और यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन में बीटा की वैल्यू क्या होती है, ये इसमें बीटा आ रहा है, ये बीटा इक्वल है डेल्टा वी ओवर वी नॉट इंटू टी, यानी इधर एल की जगह आप क्या लगा दें, वी लगा लें, और बीटा किसके इक्वल होता है, 3α के इक्वल होते हैं। ठीक है, इसको याद रखना। नेक्स्ट, प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस, प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस, अच्छा ये PPSA के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट डॉट्स हैं, इनको आपने तैयार करने हैं तो अच्छे लिखे हुए हैं। तो नेक्स्ट, प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस, मोमेंटम ट्रांसफर्ड बाय मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस ऑन दी वॉल ऑफ कंटेनर्स बाय पर यूनिट वॉल्यूम, फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम, यानी इसको कह लें मीन्स के वेलोसिटी होती है, ये ब्रैकेट मीन को शो करती हैं, ये जो ब्रैकेट लगी हुई हैं। ठीक है, और जो स्केयर आ रहा है इसके ऊपर ये क्या कहेगा, मीन्स के वेलोसिटी,
वन टू थ्री फोर सब को ऐड करके टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल एन पे डिवाइड कर देंगे। प्रेशर एवरीवेयर इनसाइड द गैस कंटेनर पी इज इक्वल टू कनेक्टर, कंटेनर के अंदर हर पॉइंट पे ये प्रेशर होता है पी इज इक्वल टू 1/3 रो डेंसिटी को कहते हैं एव स्क्वायर ऑफ स्पीड। आगे ये इस यही फार्मूला जब ड्राइव करते हैं तो ये इससे पहले ये फॉर्म बनती है जिसमें प्रेशर के इसके इक्वल होता है 2/3 के हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ एम वी स्क्वायर एवरेज काइनेटिक एनर्जी है तो ये प्रेशर एवरेज काइनेटिक एनर्जी के डायरेक्ट होता है, फिर इवन टेम्परेचर भी एवरेज काइनेटिक एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है। आर एन के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम। और इसमें ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी देखेंगे, ट्रांसलेशनल एवरेज काइनेटिक पर यूनिट मॉलिक्यूल ऑफ गैस क्या है, हम इसमें कहते हैं वर्क एवरेज ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी बेसिकली एवरेज काइनेटिक एनर्जी है पर यूनिट मॉलिक्यूल। ठीक है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स कहते हैं। वर्क इज डन ऑन सिस्टम एज होल एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट, जब भी वर्क डन होता है तो गैस या सिस्टम एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है। ठीक है, ये इसमें वर्क डन का फॉर्मूला होता है डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू पी इन टू डेल्टा वी होता है। और इसमें देखें अगर इसकी बात करें तो ये डेल्टा वी फाइनल माइनस इनिशियल वॉल्यूम होता है, तो ये लिख लिया। अगर फाइनल वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम से ग्रेटर है तो एक्सपेंशन होगी, अगर फाइनल वॉल्यूम लेस इनिशियल से तो कंप्रेशन होगी, यानी डेल्टा वी डिक्रीज करेगा। और वर्क डन पॉजिटिव होगा तो वर्क डन बाय सिस्टम कहते हैं, वर्क डन नेगेटिव हो तो वर्क डन ऑन सिस्टम कहते हैं। और केमिस्ट्री में इसको उलट कहते हैं, केमिस्ट्री में क्यों करते हैं वो बाद की बातें हैं, हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं अभी। डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस वी, यानी वर्क डन क्या होगा माइनस, तो वर्क डन ऑन सिस्टम है। वर्क डन वर्क इज इक्वल टू एरिया अंडर कर्व ऑफ पी वी ग्राफ। ठीक है, ये वर्क किसके इक्वल है, एरिया अंडर कर्व ऑफ पी वी ग्राफ, यानी इसमें प्रेशर कॉन्स्टेंट होता है। ठीक है, ये एफ एस सी के सारे पॉइंट है उधर, ये ग्राफ बना भी हुआ है, बड़ा सिंपल सा है। और इसमें नेक्स्ट देखते हैं, हीट एंड वर्क आर इंटर कन्वर्टेबल क्वान्टिटीज बोथ रेस टेम्परेचर। देखें कितने अच्छे नोट्स लिखे हुए हैं, मतलब सारे पॉइंट्स वो कवर होते जा रहे हैं, मेन मेन पॉइंट्स। आगे क्या कहते हैं, हीट फ्लो रिक्वायर्स टेम्परेचर डिफरेंस वाइल वर्क डन रिक्वायर्स ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी। ठीक है, उसके बाद आ जाएँ इसमें कहते हैं जोल्स लॉ ऑफ हीट क्या है, डब्ल्यू इज इक्वल टू जे जे क्यू है, तो यहाँ से जे किसके इक्वल आ गया, डब्ल्यू ओवर क्यू। जोल्स लॉ क्या है, वर्क डन पर यूनिट हीट को हम कहते हैं, इसका कोई यूनिट नहीं होता। इंटरनल एनर्जी क्या है, ये सम होती है किसके इसका, ट्रांसलेशनल रोटेशन वाइब्रेशन काइनेटिक एनर्जी का सम होती है। ठीक है, ट्रांसलेशन वाइब्रेशन रोटेशन काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी का सम होती है, जो कि एसोसिएटेड विद रैंडम मोशन ऑफ एटम, डिफरेंट रैंडम मोशन में होते हैं मॉलिक्यूल। अच्छा, इसमें देखें ये जो ये यू, इसको कहते हैं इंटरनल एनर्जी, और ये बिल्कुल ऐसी है जैसे पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, सिमिलर टू कंपैरिजन किया हुआ है, सिमिलर टू पोटेंशियल एनर्जी है, यानी अब पोटेंशियल एनर्जी पाथ पे डिपेंड नहीं करती तो ये इंटरनल एनर्जी भी पाथ पे डिपेंड नहीं करती, इस सेंस में कहा हुआ है। ठीक है, आगे टेम्परेचर और इंटरनल एनर्जी दोनों क्या होता है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी के डायरेक्ट होते हैं। और यहाँ पे इंटरनल एनर्जी पॉजिटिव होगी तो टेम्परेचर इंक्रीज करेगा ड्यू टू इंक्रीज इन हीट, हीट ऐड होगी, हीट इंक्रीज होगी, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो इंटरनल एनर्जी पॉजिटिव होगी। और वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि फिर वर्क डन ऑन सिस्टम हो रहा होगा। फिर जब क्या होगा, इंटरनल एनर्जी नेगेटिव होगी तो इसका मतलब है कि यहाँ पे क्या होगा, टेम्परेचर डिक्रीज करेगा ड्यू टू डिक्रीज इन हीट, हीट डिक्रीज करेगी और वर्क डाउन सिस्टम होगा। इसको यूँ लेट कर लें कि अब वर्क डाउन सिस्टम है तो वर्क से हीट बाहर निकल रही है तो डिक्रीज कर रहा है, टेम्परेचर भी डिक्रीज होगा, इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होगी। अच्छा, नेक्स्ट है चेंज इन इंटरनल एनर्जी। चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू से लिखते हैं, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू। ये जो इंटरनल एनर्जी आ रहा है ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स से लिखी हुई है। थर्मोडाइनमिक्स का फॉर्मूला होता है क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, तो वहाँ से डब्ल्यू को दूसरी तरफ माइनस किया तो इंटरनल एनर्जी का ये फॉर्मूला लिखा हुआ है। अच्छा, नेक्स्ट भी पढ़ेंगे हम, फर्स्ट लॉ भी आगे। क्यू क्या है, एनर्जी फ्लोइंग इन एज अ हीट। वर्क डन क्या है, एनर्जी फ्लोइंग आउट एज अ वर्क, मतलब हीट और एनर्जी दोनों क्या करते हैं, एनर्जी को फ्लो करते हैं।
ठीक है, फ्लोइंग इन एज अ हीट क्यू एज अ हीट एनर्जी ट्रेवल कर रही होती है, और वर्क डन क्या है एज अ एनर्जी फ्लोइंग आउट एज अ वर्क, वर्क की फॉर्म में एनर्जी ट्रेवल कर रही होती है। और यहाँ पे इट इज़ अ स्टेट फंक्शन डिपेंड्स ऑन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट, एनर्जी फाइनल इनिशियल स्टेट पर डिपेंड करती है, पाथ पर डिपेंड नहीं करती। ठीक है, तो ये इसमें देख लिया हमने। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें आ जाएं और फिफ्थ पेज पे आ जाएं। आपके पास ये नोट्स पड़े हुए हैं, मैंने इसका लिंक भी दिया था इसके फर्स्ट लेक्चर में, उधर से आप डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसके इसकी वीडियो के नीचे भी इस वीडियो इस इन नोट्स का लिंक दे देता हूँ, जो आज देख रहे हैं ये नोट्स तो वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा, ये ज़ीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, इससे पहले हम ये पॉइंट्स देख लेते हैं। क्या है, रिलेशन अमंग दी स्टेट्स वेरिएबल बट ओनली एप्लीकेबल फॉर आइडियल एंड होमोजेनियस गैसेस। ये जो रिलेशनशिप जो होता है ये स्टेट वेरिएबल्स के, ये सिर्फ और सिर्फ आइडियल और होमोजेनियस गैसेस के लिए हम पढ़ रहे होते हैं। ठीक है, इट इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉर सॉलिड लिक्विड एंड नॉन होमोजेनियस। ये जितने भी रिलेशन हम इसमें पढ़ रहे हैं ये क्या है, ये सॉलिड लिक्विड के लिए नहीं है, जस्ट गैस के लिए, नॉन और ये नॉन होमोजेनियस गैस के लिए भी नहीं है, यूनि होमोजेनियस एक जैसी गैस के लिए यूनिफॉर्म हो, एक हर पॉइंट पे एक जैसी हो गैस। अच्छा, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी में एन नंबर ऑफ मोल्स हैं। ठीक है, आर यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट है और टी टेम्परेचर है, और ये इक्वल होता है एन के टी के इक्वल भी होता है। अगर हम इसी को सॉल्व करें तो ये पी वी इज़ इक्वल टू एन के टी भी हमारे पास बनता है, इसी को हम दूसरा फॉर्मूला लिखा हुआ है इधर, पी इज़ इक्वल टू एन आर टी एंड एन के टी। यहाँ पे ये कांस्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वैल्यूस आपको याद होनी चाहिए। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट आर ओवर एन ए, यानी इसमें आर कहते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट ओवर एवोगैड्रोस नंबर, एन एवोगैड्रोस नंबर है, और इनको डिवाइड करें तो हमारे पास ये वैल्यू होती है 1.38 × 10⁻²³ जोल पर केजी, और ये जोल पर केजी उधर यूनिट हम पहले जो पढ़ कर आ रहे हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला, मोलर स्पेसिफिक हीट का यूनिट भी क्या है, जोल पर केल्विन ही है। अच्छा, इसमें आ जाए नेक्स्ट, इसमें वैल्यू ये दी हुई है, ये 1.38, यहाँ पे ये जो वैल्यू ना ये आर की है, ये साथ ही इधर कैपिटल आ रहेगा। आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, 8.341 जोल पर मोल पर केल्विन। ठीक है, ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ रही है, आर की वैल्यू आ रही है हमारे पास, इधर हम आर पुट कर देंगे। ठीक है, तो ये वैल्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप अच्छी तरह से फिर क्रिएट कर लें। अच्छा, नेक्स्ट इधर आ जाएँ, क्या है, ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, अगर तीन है, ए बी सी थ्री सिस्टम है, ए बी सी में ए बी के साथ इक्विलिब्रियम में है और बी सी के साथ इक्विलिब्रियम में है, तो इसका मतलब है ए बी के ए सी के साथ वल होगा। ठीक है, तो तीर से ए बी सी, अगर ए बी से इक्विलिब्रियम में है और बी सी से इक्विलिब्रियम में है तो क्या होगा, पहला और एंड वाला ए सी के साथ इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। ठीक है, तो यही लिखा हुआ है इसमें, एंड बी ए एंड बी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम एंड बी एंड सी टू, देन ए एंड सी आर इन आर आल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम। जीरो थला देख लीजिए, देखा हमने जीरो थला ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हेल्प टू एक्सप्लेन द टर्म टेम्परेचर। जीरो ला क्या करता है, ये टेम्परेचर को एक्सप्लेन कर रहा होता है। नेक्स्ट देखें, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, हीट गिवन टू सिस्टम इज़ यूज टू इंक्रीज इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन। ठीक है, ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, इसे को एक्सप्लेन किया हुआ है, हीट क्या है, हीट इज इक्वल यूज टू इंक्रीज इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस क्यू लिखा हुआ है, हीट पॉजिटिव मतलब हीट एडिड टू सिस्टम, नेगेटिव हीट का मतलब है कि हीट सिस्टम से बाहर आ रही है या सिलेंडर से बाहर आ रही है, यूँ कह सकते हैं। W इक्वल टू प्लस यानी पॉजिटिव है जब वर्क डन ऑन बाय सिस्टम है। वर्क डन बाय सिस्टम का मतलब ये होता है कि गैस एक्सपेंड कर रही है सिलेंडर के अंदर, एक्सपेंड कर रही है, इसको वर्क डन बाय सिस्टम कहेंगे। और वर्क डन नेगेटिव है, वर्क डन ऑन सिस्टम मीन सिलेंडर कंप्रेस कर रहा है, गैस कंप्रेस हो रही है। इट इज़ बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी।
ठीक है, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी को ही बताता है फर्स्ट लॉ। और ये साइक्लिक प्रोसेस क्या होते हैं? साइक्लिक प्रोसेस होते हैं जो क्या करते हैं, इनिशियल स्टेट को अगेन ब्रिंग करते हैं। प्रोसेस इन साइक्लिक प्रोसेस ही एनर्जी ज़ीरो होगी। हीट गिवन टू सिस्टम इज़ ओनली यूज इन वर्क डन बाय सिस्टम, ठीक है, बाय सिस्टम बिकॉज डेल्टा यू इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो ये डेल्टा यू ज़ीरो हो जाता है, एनर्जी ज़ीरो होती है साइक्लिक में, तो जितनी हीट आएगी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, इंटरनल एनर्जी में हो जाएगी। यानी ये फार्मूला चेंज इन इंटरनल एनर्जी, यहाँ पे आप क्यू को ज़ीरो कर दें तो डेल्टा यू इज़ इक्वल टू माइनस डब्ल्यू आ जाएगा, ठीक है। और एप्लीकेशन फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स में आइसोकोरिक है, वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, और वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, चेंज इन वॉल्यूम ज़ीरो हो गई तो ज़ीरो पुट करेंगे तो क्यू यू के इक्वल आ जाएगा। और ग्राफ इसमें आइसोकोरिक में क्या होता है, कांस्टेंट वॉल्यूम होता है और वॉल्यूम प्रेशर के पैरेलल होता है। आइसोबैरिक में प्रेशर कांस्टेंट होता है, ये जो आइसोकोरिक में प्रेशर कांस्टेंट होता है इसमें हम देखते हैं कि प्रेशर कांस्टेंट रखते हैं तो फॉर्मूला हमारे पास होता है फर्स्ट लॉ का, डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। और इसमें ये जो फार्मूला आ रहा है क्यू इज इक्वल टू यू प्लस एन आर टी, ठीक है, इसी फॉर्मूले में पी वी जो आ रहा है हमारे पास, ये पी वी को हम अकॉर्डिंग टू गैस लॉ इक्वेशन पी वी इक्वल टू एन आर टी है, तो इधर एन आर टी लिख दिए। ग्राफ ऑफ आइसोबार प्रोसेस इज कॉल्ड आइसोबार, आइसोबैरिक ग्राफ को आइसोबार कहते हैं, और ये वॉल्यूम एक्सिस के पैरेलल होता है। आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, ठीक है, और टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो हीट, ये फर्स्ट लॉ का फार्मूला है, इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो इंटरनल एनर्जी ज़ीरो होती है, जब टेम्परेचर कांस्टेंट इंटरनल एनर्जी ज़ीरो पुट की तो ये क्यू किसके इक्वल आ गया, डब्ल्यू के इक्वल आ गया। इधर ये लिखा हुआ टेम्परेचर और इंटरनल एनर्जी दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शन होते हैं। पी वी ग्राफ ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस इज कॉल्ड आइसोथर्म एंड इट इज़ द कर्व, ठीक है, पी वी ग्राफ जो होता है वो आइसोथर्म थर्मल प्रोसेस को शो करता है, ठीक है, और इसमें पी वी ग्राफ ऑफ आइसोथर्म इज कॉल्ड आइसोथर्म, ठीक है। सिंपल से पॉइंट है, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट आइसोथर्मल प्रोसेस की एग्जांपल हैं, इम्पोर्टेंट है ये। और उसके बाद देखें स्पेसिफिक हीट इन आइसोथर्मल प्रोसेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्क डन, स्पेसिफिक हीट जो आइसोथर्मल प्रोसेस में होती है वो वर्क डन के इक्वल होती है। यानी ये ऊपर वाली फॉर्म आ रही है, वो हीट वर्क डन के इक्वल आ जाती है जब इंटरनल एनर्जी ज़ीरो हो जाती है। आइसोथर्मल प्रोसेस एक्सपेंशन ऑल हीट एंटर चेंजिंग टू वर्क डन, वही है, जितनी हीट ऐड होगी वर्क डन में चेंज होगी। आइसोथर्मल कंप्रेशन ऑल वर्क डन ऑन द सिस्टम कन्वर्ट टू हीट, जितना फिर इसमें वर्क डन करेंगे ये वर्क डन भी सारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हीट में भी कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और इसमें ये इसमें हमने देख लिया, आइसोथर्मल कंप्रेशन में जितना वर्क डन करते हैं वो हीट में कन्वर्ट होता है। नेक्स्ट एडियाबेटिक प्रोसेस है जिसमें हीट क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, जिसको हम क्या लिखते हैं, डेल्टा क्यू इक्वल टू ज़ीरो, हीट ज़ीरो होती है। और इसमें क्यू फर्स्ट टर्म में क्यू ज़ीरो पुट किया तो ये आ जाएगा ज़ीरो इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, और इसको सॉल्व करने डब्ल्यू नेगेटिव हो गया, नेगेटिव डब्ल्यू का मतलब है कि वर्क डन ऑन सिस्टम हो रहा है तो कंप्रेस होगी, वर्क डन बाय सिस्टम हो रहा है तो वर्क डन ऑन सिस्टम हो रहा है तो वर्क डन ऑन सिस्टम होगा नेगेटिव मीन, और कंप्रेस हो रहा है और इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करेगी, ठीक है, और इंटरनल एनर्जी पॉजिटिव है तो इंक्रीज करेगी। और हीट ज़ीरो रखें तो वर्क डन बाय सिस्टम में क्या होगा, वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, वॉल्यूम इंक्रीज करेगा टेम्परेचर इंटरनल एनर्जी डिक्रीज करती है, ठीक है। और इंटरनल एनर्जी जो होती है, आई इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम डिक्रीज बिकॉज वर्क डन बाय सिस्टम होता है, वो इंटरनल एनर्जी जब डिक्रीज हो, ये यहाँ पे इंटरनल एनर्जी क्या हो, ये डिक्रीज, क्योंकि वर्क डन बाय सिस्टम हो रहा है, इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होगी तो एक्सपेंड करेगी इंटरनल एनर्जी, एक्सपेंड करने से डिक्रीज हो जाती है। अब हम देख लेते हैं, ये हमने एडियाबेटिक प्रोसेस देख लिया, अब इसमें एडियाबेटिक के ही कुछ पॉइंट्स हैं। हीट ज़ीरो वर्क डन ऑन सिस्टम होता है, अब हीट ज़ीरो वर्क डन सिस्टम मीन वॉल्यूम डिक्रीज होगा इंटरनल या टेम्परेचर इंक्रीज होगा, यानी इसको यूँ कह लेंगे, ठीक
ठीक है, ये ऊपर वाला जो अभी मैंने आपको बताया, इसमें क्या कहा था, हीट ज़ीरो थी, ठीक है, वॉल्यूम इनकी टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा था, इसको इस फॉर्म में लिखा हुआ है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ना, इधर हीट ज़ीरो पुट करी, अब माइनस यू की बजाय माइनस डब्ल्यू लिख लेते हैं, क्योंकि इधर पुट करेंगे ना ये ज़ीरो है, या तो डेल्टा यू को उधर लेके जा सकते हैं इक्वेशन की दूसरी साइड पर, या डब्ल्यू को लेकर जाते हैं। पहला केस मैंने डब्ल्यू को ले दूसरी साइड डेल्टा यू को दूसरी तरफ लेके गया तो माइनस डेल्टा यू हुआ। अब ऐसा करते हैं इस इक्वेशन में, ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन में हम क्या करते हैं, डेल्टा यू के बजाय डेल्टा दोनों तरफ क्या करते हैं नेगेटिव, और यहाँ पे डेल्टा यू के बजाय आप डेल्टा डब्ल्यू की दूसरी तरफ लेकर जाते हैं, तो वर्क डन ऑन सिस्टम होगा नेगेटिव मीन, ठीक है, और इंटरनर्जी क्या होगी सिस्टम की, इंक्रीज होगी जब कंप्रेस करेगा तो इंक्रीज होगी। पीवी ग्राफ ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस इज कॉल्ड एडियाबेटिक एंड इट इज़ कर्व, प्रोसेस परफॉर्म क्विकली इज नोन एज एडियाबेटिक प्रोसेस, और ये क्विकली होता है, हमेशा क्विकली होता है एडियाबेटिक, और स्लोली क्या होता है आइसोथर्मल होता है, और स्पेसिफिक हीट इन एन एडियाबेटिक प्रोसेस ज़ीरो, स्पेसिफिक हीट एडियाबेटिक प्रोसेस में ज़ीरो होती है, क्योंकि आप स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला देखें तो उसमें आपके पास जो फॉर्मूले में जो फैक्टर आता है उस फैक्टर में आप जब वैल्यूज पुट करें ये स्पेसिफिक हीट, क्योंकि टेम्परेचर क्या हो जाता है वॉल्यूम प्रोसेस परफॉर्म क्विकली, स्पेसिफिक हीट इन एडियाबेटिक प्रोसेस ज़ीरो हो जाती है, ठीक है, इसको स्पेसिफिक काफ़ी ऊपर टॉपिक चला गया, ठीक है, इसको फॉर्मूले को आप देख लीजिएगा। अच्छा इसमें आ जाएं नेक्स्ट पॉइंट, प्रोसेस परफॉर्म ये हो गया, एडियाबेटिक एक्सपेंशन काजेज कूलिंग, एडियाबेटिक कंप्रेशन काजेज हीटिंग, कंप्रेस करेंगे तो हीटिंग आएगी और एक्सपेंड करेंगे तो कूलिंग आएगी, ये सिर्फ एडियाबेटिक में होता है, उधर आइसोथर्मल में नहीं होता, आइसोथर्मल में टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रहता है। इट इज़ एन आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस कहते हैं जिसमें इंट्रोपी क्या हो एक जैसी रहती है, और इसमें क्या कह रहे हैं हम, रैपिड एस्केप ऑफ एयर फ्रॉम टायर, रैपिड एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन ऑफ एयर ड्यूरिंग द साउंड ट्रैवलिंग, क्लाउड फॉर्मेशन, ये भी इसकी एग्जाम्पल है। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की तरफ चलते हैं, ये ऊपर एग्जाम्पल थी इनकी, लॉर्ड केल्विन स्टेटमेंट क्या कहती है कि ऐसा इंजन बनाना इम्पॉसिबल है जो क्या करे सारी हीट को इसमें कन्वर्ट कर दे, वर्क डन में कन्वर्ट कर दे, या यूँ कह सकते हैं ऐसा इंजन बनाना इम्पॉसिबल है जो 100% वर्क करता हो, ठीक है। तो इधर सेकंड है क्लासियस स्टेटमेंट है, और क्लासियस स्टेटमेंट कहती है इट इज़ इम्पॉसिबल टू मेक इंजन विच दैट फ्लो हीट फ्रॉम कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एक्सटर्नल वर्क, कहता है अगर एक्सटर्नल वर्क ना करे तो हीट कभी भी लो से हाई नहीं जा सकती, एक्सटर्नल वर्क करना पड़ता है। और एंट्रोपी की टर्म में क्या कहते हैं कि एंट्रोपी यूनिवर्स ड्यूरिंग नेचुरल प्रोसेस आइदर इंक्रीज और रिमेंस कॉन्स्टेंट, तो जब भी हमारे पास यूनिवर्स की एंट्रोपी डिसऑर्डर है वो आइदर इंक्रीज और रिमेंस कॉन्स्टेंट है, यानी ये नेचुरल प्रोसेस को डिस्कस करते हैं एंट्रोपी की टर्म में, इन ऑल नेचुरल प्रोसेस एंट्रोपी इज ऑलवेज इंक्रीजेस, और अगर पूरी यूनिवर्स की बात करें तो एंट्रोपी क्या होती है इंक्रीज हो रही है, ठीक है, ये सेकेंड लॉ थर्मोडायनेमिक्स है। कंप्रेसर ऑफ रेफ्रिजरेटर वर्क ऑन क्लासियस स्टेटमेंट, मतलब रेफ्रिजरेटर में भी क्या होता है हीट लो से हाई की तरफ जाती है और एक्सटर्नल करंट देना पड़ता है इसको, और साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है जो अपनी इनिशियल स्टेट में आ जाए, साइक्लिक प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी ज़ीरो, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट होने से टेम्परेचर कॉन्स्टेंट होगा तो इंटरनल एनर्जी ज़ीरो होगी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी ज़ीरो होगी, हाई टेम्परेचर इज रेजरवायर क्या है, हॉट रेजरवायर एट हाई टेम्परेचर टी एच हैविंग दी हीट क्यू एच टी आर हाई टेम्परेचर रेजरवायर है और एल टी आर लो टेम्परेचर रेजरवायर है, ये इसमें होता है, और इसमें जो वर्क डन का फॉर्मूला होता है क्यू एच माइनस क्यू एल होती है, इधर उधर लिखते हैं एफ एस सी की बुक में लिखा होता है क्यू वन माइनस क्यू एल, क्यू वन माइनस क्यू टू, ठीक है, क्यू वन हाई हीट होती है और क्यू वन हाई हीट होती है, क्यू टू लो हीट होती है, ये फार्मूले जस्ट इसमें आ जाए हीट इंजन,
थर्मो डिवाइस विच कन्वर्ट हीट इनटू मैकेनिकल रूम, हीट को वर्क डन में कन्वर्ट करती है, ये इसकी एफिशिएंसी का फार्मूला होता है, 1 - QL/QH, यानी यूँ कह सकते हैं 1 - Q2/Q1, ठीक है। और इसी तरह अगर ये QL ज़ीरो होगी, यानी लो टेम्परेचर रिजर्वायर जो है वो ज़ीरो होगा, देन ऑल इनपुट हीट इज़ कन्वर्टेड इनटू वर्क डन, सारी हीट वर्क डन में कन्वर्ट हो जाएगी। अच्छा, इसमें ये जो QL होता है ना, ये लो रिजर्वायर की तरफ हीट जा रही होती है। अच्छा, इसमें देख लिया कि QL कैन नॉट बी ज़ीरो, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि QL ज़ीरो है, इसका मतलब एब्सोल्यूट ज़ीरो है। एब्सोल्यूट ज़ीरो यानी डिग्री में, डिग्री सेल्सियस में कहते हैं -273 डिग्री सेल्सियस, जो कि इम्पॉसिबल है। इस टेम्परेचर में गैस का वॉल्यूम ज़ीरो हो जाता है। परसेंटेज एफिशिएंसी का फॉर्मूला, जस्ट इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दें। और हीट इंजन की टाइप्स क्या हैं, एक्सटर्नल कम्बस्टन एंड इंटरनल कम्बस्टन। इंटरनल कम्बस्टन में क्या होता है कि पेट्रोल इंजन एंड डीजल इंजन होते हैं, पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन है। और हीट इंजन की टाइप में दो ही हमने पढ़नी है, इंटरनल कम्बस्टन भी होती है और एक्सटर्नल कम्बस्टन भी होती है, ठीक है। और इंटरनल कम्बस्टन पेट्रोल इंजन में हो रही होगी और डीजल इंजन में हो रही होगी। अब नेक्स्ट देखते हैं, पेट्रोल में क्या होता है, स्पार्क इग्निट करता है, कंप्रेशन होती है इग्निट करने से। फिर उसके बाद ये क्या कहते हैं, बोथ टू फोर स्ट्रोक्स हो सकते हैं पेट्रोल इंजन। डीजल इंजन कंप्रेशन इग्निट होती है, कंप्रेशन से फायर प्रोड्यूस होती है, ये भी टू और फोर स्ट्रोक इंजन हो सकते हैं। रेफ्रिजरेटर डिवाइस है जो क्या करती है, वर्क ऑपोजिट टू हीट इंजन, इंजन का रिवर्स प्रोसेस कर दें तो वो रेफ्रिजरेटर हो जाता है। और हीट पंप क्या है, व्हेन रेफ्रिजरेटर इज़ यूज्ड फॉर हीटिंग इन विंटर, डिस्पेंसर, ठीक है। हीट पंप क्या करती है, और व्हेन रेफ्रिजरेटर इज़ यूज्ड फॉर हीटिंग इन विंटर, उसी रेफ्रिजरेटर को अगर हम यूज़ कर लें एज अ हीटर तो हीटिंग पंप हो गया, यानी इलेक्ट्रिक हीटर है ना, कूलिंग को किस में चेंज करा है, हीटर हीटिंग में, और हीटिंग को हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। पेट्रोल इंजन क्या है, कन्वर्ट हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल वर्क, हीट को एनर्जी में कन्वर्ट करता है। फोर प्रोसेस होते हैं, इनटेक कंप्रेशन स्ट्रोक पावर स्ट्रोक एंड एग्जॉस्ट स्ट्रोक। इनटेक में पेट्रोल एंटर होता है, कंप्रेशन में कंप्रेस होता है फायर लगने से, कंप्रेस होता है और फिर फायर लगती है यानी पावर स्ट्रोक, और फिर बर्निंग होने से एग्जॉस्ट हो जाता है। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कार्नट इंजन, कार्नट इंजन पे ये ऑपरेट करता है। और इट वाज इन्वेंटेड बाय ऑटो इन 1876, और बाइक हैज़ वन एंड कार हैज़ फोर सिलेंडर। बाइक में वन सिलेंडर होता है और कार में फोर होते हैं। एफिशिएंसी ऑफ पेट्रोल इंजन इज 20-35। और डीजल इंजन इन्वेंटेड बाय आर डीजल इन 1892, डीजल ने ही इन्वेंट किया था, उसने अपने नाम से रखा हुआ डीजल इंजन। डीजल इंजन हैज़ नो स्पार्क प्लग, एफिशिएंसी ऑफ डीजल इंजन इज 35-40%। एंड कार्नट इंजन जो बनाया सऊदी कार्नट ने 1840 में, और कार्नट थ्योरम, नो हीट इंजन हैज़ ग्रेटर एफिशिएंसी देन कार्नट इंजन। कोई ऐसा इंजन नहीं है जिसकी एफिशिएंसी, कोई हीट इंजन ऐसा नहीं है जिसकी एफिशिएंसी कार्नट इंजन से ज़्यादा हो, इसको कार्नट थ्योरम भी कहते हैं। और परसेंटेज एफिशिएंसी का फॉर्मूला वही है, और एफिशिएंसी 100% होगी जब TL ज़ीरो होगा। अब यहाँ पे TL QL की जगह TL लगा दें और QH की जगह TH लगा दें, ठीक है। और मतलब हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर हो जाएगा, अगर टेम्परेचर TL लो होगा तो 100% एफिशिएंसी होती है। आइडियल एंड इमेजिनरी हीट इंजन हुज एफिशिएंसी इज 100%, इमेजिनरी आइडियल की 100% होती है। इट हैज़ नो फ्रिक्शन नो हीट लॉसेस, ठीक है। और क्या कहते हैं कि इट हैज़ नो फ्रिक्शन नो हीट लॉसेस, मतलब कोई फ्रिक्शन नहीं होती, कोई लॉस नहीं होती, तो एफिशिएंसी 100% आ जाएगी। इट हैज़ नो फ्रिक्शन नो हीट लॉसेस, आइडियल गैस इज यूज्ड एज अ वर्किंग सब्सटेंस, इट हैज़ कंडक्टिंग बेस
इट इज़ नॉट कंस्ट्रक्ट प्रैक्टिकली, मतलब ये प्रैक्टिकली बनाया नहीं जा सकता, ठीक है, सारी थ्योरेटिकल बातें हैं। एफिशिएंसी ऑफ एक्चुअल इंजन इज़ ऑलवेज लेस देन कार्नट इंजन एंड इट्स एफिशिएंसी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर ऑफ LTR एंड HTR, ठीक है। एफिशिएंसी टेम्परेचर डिफरेंस पे डिपेंड करती है, डेल्टा टी प्रोपोर्शन टू एफिशिएंसी। टेम्परेचर डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा एफिशिएंसी उतनी ग्रेटर होगी। एंड कार्नट इंजन इज रिवर्सिबल इंजन है, रिवर्सिबल मीन साइक्लिक प्रोसेस इसमें होती हैं और इट अंडरगोज फोर साइक्लिक प्रोसेस। फर्स्ट आइसोथर्मल एक्सपेंशन, एडियाबेटिक एक्सपेंशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन, एडियाबेटिक कंप्रेशन। इनमें क्या क्या होता है, जब आइसोथर्मल कंप्रेशन और एक्सपेंशन होती है तो हीट एंटर होती है, एडियाबेटिक एक्सपेंशन होती है तो टेम्परेचर लो हो जाता है, और जो आइसोथर्मल कंप्रेशन होती है तो वर्क डन क्या होता है, कंप्रेस करता है ऑन द सिस्टम होता है, और जब वर्क एडियाबेटिक कंप्रेशन होती है तो टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा होता है, ठीक है। रिवर्सिबल प्रोसेस सिंपल सी इसमें है, रिवर्स करते हैं, रिट्रेस हो जाता है इनवर्स डायरेक्शन विदाउट प्रोड्यूसिंग एनी चेंज इन इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट में कोई भी चेंज किए बगैर ये रिवर्स हो रहा होता है। स्लो कंप्रेशन एक्सपेंशन गैस स्लो कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन ऑफ गैस स्लोली परफॉर्म्ड लिक्विफिकेशन एंड वेपोरेशन, ठीक। लिक्विफिकेशन वेपोरेशन ये रिवर्सिबल प्रोसेस की एग्जाम्पल हैं, और इसमें इरिवर्सिबल प्रोसेस प्रोसेस दैट कैन नॉट बी रिट्रेस इन रिवर्स डायरेक्शन। ऑल प्रोसेस अकर सडनली इन्वॉल्व फ्रिक्शन लॉस ऑफ एनर्जी एक्सप्लोजन इन इरिवर्सिबल प्रोसेस एंट्रोपी ऑफ सिस्टम इंक्रीजेस। रिडॉल्फ क्लॉसियस गिव्स इट्स कंसेप्ट 18 जोल पर केल्विन। जोल पर केल्विन एंट्रोपी का कंसेप्ट है और ये रिडॉल्फ क्लॉसियस ने दिया था, क्लॉसियस स्टेटमेंट इन टर्म्स ऑफ सेकेंड लॉ भी है, ठीक है। तो ये इसको हमने देख लिया, एंट्रोपी वाला पार्ट शुरू हो गया। एंट्रोपी में हम क्या कहेंगे, एंट्रोपी क्या, स्टैटिस्टिकल एंट्रोपी, मेजर डिसऑर्डर ऑफ सिस्टम ऑफ स्टेट ऑफ सिस्टम। थर्मोडायनेमिक एंट्रोपी क्या है, अनअवेलेबिलिटी ऑफ हीट, हीट पर नहीं होती सिस्टम के लिए अवेलेबल ड्यू टू थर्मल इक्विलिब्रियम। और ये डेल्टा एस इक्वल टू डेल्टा क्यू ओवर टी इसका फॉर्मूला होता है। अगर एंट्रोपी पॉजिटिव है तो हीट पॉजिटिव है, हीट एंटर हो रही होगी। अगर एंट्रोपी नेगेटिव है तो हीट नेगेटिव होगी, हीट लीव कर रही होगी, हीट सिस्टम से निकल रही होती है, ठीक है, मतलब डिसऑर्डर कम हो रहा होता है। अच्छा, इसमें आ जाए डेल्टा एस इक्वल टू क्यू HLT, ये इसका फॉर्मूला लिखा हुआ है इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर। आगे इसमें देखें, इट इज़ अ स्टेट वेरिएबल, ये स्टेट वेरिएबल होती है, और इसमें लॉ ऑफ इंक्रीज इन एंट्रोपी क्या है, एंट्रोपी ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज़ आइदर रिमेन्स कॉन्स्टेंट और इट इज़ इंक्रीज। एंट्रोपी कॉन्स्टेंट रहती है या इंक्रीज होती है, इसको लॉ ऑफ इंक्रीज ऑफ एंट्रोपी कहते हैं, जो कि हमने सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में भी कहा था। और हीट डेथ क्या है, एंट्रोपी इंक्रीज मींस डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी और एंडिंग अप ऑफ द थर्मल एनर्जी। हीट डेथ नाम से जा रहा है, एंट्रोपी इंक्रीज मीन डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी होगी, मतलब एनर्जी अवेलेबल नहीं है, एंडिंग अप ऑफ थर्मल एनर्जी, हीट फ्लो नहीं करेगी, यू भी कह सकते हैं। अच्छा, आइसेंट्रोपी क्या है, इन प्रोसेस एंट्रोपी ऑफ सिस्टम रिमेंस कॉन्स्टेंट, एंट्रोपी कॉन्स्टेंट रहती है। इन एनी नेचुरल प्रोसेस एंट्रोपी इज ऑलवेज इंक्रीज, नेचुरल प्रोसेस में एंट्रोपी हमेशा इंक्रीज होती है। एंट्रोपी रिमेंस कॉन्स्टेंट फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस एंड एंट्रोपी इंक्रीजेस फॉर और इरिवर्सिबल प्रोसेस। इरिवर्सिबल प्रोसेस में हमेशा इंक्रीज होगी। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या है, रेट ऑफ कूलिंग इज प्रोपोर्शन टू टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन बॉडीज एंड सराउंडिंग प्रोवाइडेड डेल्टा टी इज़ नॉट वेरी लार्ज फ्रॉम सराउंडिंग, ठीक है। टेम्परेचर डिफरेंस जो है वो वेरी लार्ज ना हो जो सराउंडिंग से आ रहा है, तो मतलब यूँ कह लें कि ये रेट ऑफ कूलिंग है जो टेम्परेचर डिफरेंस पे डिपेंड करती है, और इट इज़ अ स्पेसिफिक केस ऑफ स्टीफन लॉ,
इट इज़ यूज इन लैब फॉर डिटर्मिनेशन स्पेसिफिक हीट ऑफ लिक्विड. स्पेसिफिक हीट ऑफ लिक्विड को डिटर्मन करने के लिए यूज़ होती है, और थर्मल प्रोसेस में भी साइक्लिक और इरिवर्सिबल. थर्मल प्रोसेस जो होते हैं वो साइक्लिक होते हैं और इरिवर्सिबल होते हैं. ठीक है, फ्राउनहोफर लाइंस क्या हैं? डार्क लाइंस इन द स्पेक्ट्रम ऑफ सन विच आर एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ किरचॉफ्स लॉ. ठीक है, ये इसमें हमने बात कर ली. फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स. नेक्स्ट हम सेकेंड ईयर की शुरू करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ेंगे. ठीक है, तो इन पॉइंट्स को आप पढ़ लें अच्छी तरह से, माइंड में रख लें, कंसेप्ट इसके देखें. ठीक है, ये पॉइंट शॉर्ट कट लिखे हुए हैं, इनके पीछे डिटेल भी हैं जो कि मैंने नहीं बताई, क्योंकि आप सब मास्टर एफएससी की पढ़ी हुई है एक दफ़ा, यानी मास्टर की अवर टीचर हैं आप, पढ़ा रहे हैं इनको ऑलरेडी. ठीक है, तो ये आप इंशाल्लाह ताला इनको सुन के ही अच्छी तरह से कर सकते हैं. तो मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में. इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़.